नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। मॉर्निंग 7 बजे 10 क्वेश्चन रोजाना जो क्लास जो है वो आपको मिल रही है। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो जो भी देख रहा है वो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। 1 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया? एयर शो का आयोजन किया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा 1 फरवरी 2024 को, और ये जो आयोजन है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर किया गया? तो वो जिला आता है आपका बीकानेर। तो राजस्थान के बीकानेर के अंदर भारतीय वायुसेना के द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया। नाल एयरफोर्स स्टेशन पर 1 फरवरी 2024 को एयर शो का आयोजन किया गया। इसमें फाइटर प्लेन सुखोई MU-30 तेजस के साथ सूर्य किरण एरो बेटिक्स दस्ते के प्लेन भी शामिल हुए। वायुसेना के आकाश गंगा दस्ता के जवानों ने 8000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। यानी एयर शो का जो आयोजन है वो राजस्थान के अंदर कहां किया गया? नाल एयरफोर्स स्टेशन। नेक्स्ट आता है ग्रामीण विकास और पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राज्य का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? राजस्थान का वह जिला जो प्रथम यानी शीर्ष स्थान पर है किसमें? लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में, और वो जिला आता है हमारा राजस्थान का राजसमंद। तो राजस्थान का राजसमंद जिला जो है वो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रदेश के 42,851 में से 32,200 गांव ही लागू कर पाए हैं। प्रदेश में राजसमंद अव्वल है। राजसमंद ने 98% लक्ष्य अर्जित किया है। 74% लक्ष्य हासिल करने पर भरतपुर 18वें और 67% लक्ष्य अर्जित कर भीलवाड़ा 24वें स्थान पर रहा, और सबसे पीछे अगर कोई है तो वो कौन सा है? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जिला जो है वो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या कार्य होते हैं? हेडपंप से निकलने वाले पानी का उपयोग करना, गंदे पानी का नालियों के माध्यम से निस्तारण करना, लिक्विड कचरा संग्रहण करना, और वेस्ट पानी का उपयोग पौधों की सिंचाई के लिए करना, और घरेलू वेस्ट पानी का उपयोग सब्जी उगाने में करना, ये कार्य जो है वो शामिल होते हैं। और इनमें पिछड़ेपन में अगर आता है तो आता है श्रीगंगानगर जिला, और शीर्ष स्थान पर आता है तो कौन सा आता है? राजसमंद जिला आता है। स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज में जयपुर का कौन सा स्थान है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा कॉलेजों में देखें तो जयपुर जो है वो देश के अंदर दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। यानी कि 2 नंबर पे जो है वो हमारा राजस्थान का जयपुर जिला आता है, जयपुर शहर आता है। तो देश के उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। शिक्षा के उच्च स्तर पर कुल नामांकन 2021-22 में 4.33 करोड़ और 2021-22 में 4.14 करोड़ था, अब जो है वो बढ़ चुका है। यह आंकड़ा करीब 5% वृद्धि दिखाता है, 5% वृद्धि दिखाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कॉलेज वाला जिला अगर कोई है तो वो बेंगलुरु है, और बेंगलुरु के बाद में कौन सा स्थान आता है? जयपुर का, और जयपुर का कौन सा स्थान है? दूसरा। नेक्स्ट, 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहां हुआ या पदक तालिका के अकॉर्डिंग? तो इसमें राजस्थान ने जो पदक जीते हैं वो 47 पदक जीते। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान ने कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य पदक जीते। तो 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों में जो है वो ये आयोजित किया गया था, जिसमें पर महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा था, जिसने 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य के साथ पदक तालिका में 158 जो है वो पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने 13 जीते स्वर्ण, 17 रजत और 17 ही कांस्य। टोटल कितने हैं? 47। कुल कितने हैं? 47 हैं। नेक्स्ट, अंतरिम बजट में राजस्थान को रेलवे के क्षेत्र में वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट मिलेगा, यानी कि बजट दिया गया है। अब जो बजट आया था केंद्र में वो अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट, और अंतरिम बजट के अनुसार राजस्थान को 9782 करोड़ रुपए जो है वो
बजट के रूप में मिलेंगे, वो भी किसके लिए, रेलवे के लिए। क्या फर्क होता है अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में? अंतरिम बजट एक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक सरकारी आय और व्यय का कवर होता है। चुनाव वर्ष से लगभग 2 या 4 महीने की अवधि के लिए जो लाया जाता है वो होता है अंतरिम बजट। और अगर हम बात करें पूर्ण रूप से यानी पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए जो आएगा वो कौन सा बजट होगा, पूर्ण बजट होगा। और एक व्यापक वित्तीय योजना होती है जिसमें सरकार आय व्यय जो है वो उसमें क्या करते हैं, पूरा शामिल करते हैं। रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से बताया कि सामरिक दृष्टि से राजस्थान महत्वपूर्ण है। वर्ष 2009 से 2014 तक राजस्थान को औसत बजट मात्र 682 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलता था, जो वर्ष 2024-25 के बजट में 9782 करोड़ रुपए किया गया। और राज्य में 3 बड़े रेल कॉरिडोर के निर्माण का प्रावधान किया गया। जिन 3 बड़े रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा उनमें एनर्जी मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर और पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? राजस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है वो है आपका किशोरपुरा थाना। और किशोरपुरा थाना राजस्थान के किस जिले में है, कोटा में। कहां है, कोटा में है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी देश के टॉप 10 थानों में रैंकिंग जारी की गई। कोटा के किशोरपुरा थाने को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। 5 फरवरी 2024 को पुलिस मुख्यालय जयपुर में थाने के सीआई को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम 60 वर्ष से अधिक आयु व विशेष दिव्यांगजनों को निःशुल्क होम डिलीवरी के निर्देश किसने जारी किए हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के जुड़े हुए जितने भी लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को मिलने वाला राशन जो है वो घर बैठे मिलेगा। उनमें शर्त क्या रहेगी, यानी कि या तो उनके परिवार के अंदर जो है वो आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए बच्चों की, या वृद्धजन की बात करें तो 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, या अगर हम बात करें तो वह अगर विशेष योग्यजन दिव्यांग श्रेणी में आता है तो जो है उनको निःशुल्क होम डिलीवरी जारी करने की जो है वो निर्देश जारी किए हैं। और ये किसने जारी किए हैं, सुमित गोदारा जी ने जारी किए हैं। अब सुमित गोदारा जी है कौन, चर्चा करते हैं। तो राजस्थान के अंदर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला मंत्री सुमित गोदारा ने मंत्रालय भवन में जो है वो ये निर्देश जारी किए हैं। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए अंतर्गत प्रत्येक परिवार के अंदर जिनके सदस्य 18 वर्ष से कम 60 वर्ष से अधिक आयु के हों या दिव्यांगजन है, ऐसे परिवारों को राशन को समय पर निःशुल्क होम डिलीवरी की जाएगी। साथ ही राशन की दुकानों पर जल्द ही आयरिस मशीनें भी लगाई जाएगी। नेक्स्ट, मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 शहर में देश का एकमात्र शहर कौन सा शामिल हुआ? भारत का एकमात्र शहर जो है वो मेहमान नवाजी में शामिल हुआ है। और मेहमान नवाजी की बात करें तो मेहमान नवाजी राजस्थान में, और राजस्थान में अगर हम देखें तो कहां होती है, जैसलमेर जिले के अंदर होती है। तो मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 शहरों में देखें तो अपने राजस्थान का एक शहर आता है और शहर का नाम है जैसलमेर। इंटरनेशनल टूर और ट्रेवल्स कंपनी booking.com ने 2024 के ट्रेवलर रिव्यू अवार्ड की घोषणा की। इसमें दुनिया के 10 ऐसे शहरों को चयन किया गया जो दिल खोलकर अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। टॉप 10 शहरों में देश का एकमात्र शहर आता है और वो शहर कौन सा है, जैसलमेर। अब एग्जामिनर क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ सकता है कि जो टॉप 10 शहरों में आया है तो जैसलमेर का सूची में स्थान कौन सा है, तो सूची में स्थान है 9वां। कौन सा स्थान है, 9वां स्थान मिला है। तो टॉप 10 में 9वां स्थान जो है वो राजस्थान के जैसलमेर का है। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर जो है वो टोटल 47 पदक जीते थे, ये हमने पहले कर लिया था, लेकिन आपको बताना है कि पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। पूर्व का जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता देते हैं, जयपुर के अभिनंदन खंडेलवाल का संबंध किस खेल से है जिसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक जीता, तो उसका राइट आंसर क्या है, तैराकी। क्या है, तैराकी। पटवार, एलडीसी, सीईटी, रीट, आरएसएसआई, इनके बैच जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं ऑफलाइन, और ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स
और 100 टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो क्या रहेंगे, निःशुल्क रहेंगे। और इसी के साथ ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो भी शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98750 75725। और मार्केट में जो है वो आपको जिला दर्शन, पशु परिचर, अपने स्कूल व्याख्या, सूचना सहायक, राजस्थान का भूगोल, कल्चर और इतिहास, इनकी मार्केट में आपको बुके मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।